हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टीवाई बीकॉम सिक्स सेमेस्टर के जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर हुए हैं, ऑफिशियल सर्कुलर जो इसका जो ऑफिशियल आंसर की है वो हम आपके साथ में क्या करने वाले, शेयर करने वाले। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया है, आपका पेपर 2 बजे हुआ है और वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है। सबसे पहले उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ताकि मुझे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेज आए, सर प्लीज आंसर भेज दो। सारे आंसर करेक्ट थे तो भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्ट पूरा पीडीएफ मिलने के बाद में ही मैं आपके साथ में शेयर करूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलना चाहता हूं जिसने भी मुझे ये पूरा पीडीएफ सेंड किया, ठीक है, स्पेशल थैंक्स। तो लास्ट एफए में भी मुझे सेंड किया था, लेकिन उसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था, तो मैं थोड़ा सा वेट किया, सोचा क्यों ना डायरेक्टली ऑफिशियल, तो ये ऑफिशियल आंसर की है तो इसके साथ में ही आप अपने आंसर चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, प्लस आपके जो भी आंसर थे जैसे कि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उसका पूरा बताएं कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले। तो कमेंट में मुझे ये मत पूछना सर इसका कितना मार्क्स मिला, आप यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है 0.5 मार्क्स फॉर ईच पोस्टिंग, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद में वर्क सर्टिफाइड के बारे में पूरा दिया हुआ है, वर्किंग जैसे प्रॉफिट लॉस अगर तुम लोग निकालते हो तो उसका भी है, ठीक है। ये पूरा आपको ईच एंड एवरीथिंग दिया हुआ है किसका कितना मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप आराम से देख लेना डियर फ्रेंड सारा चीज़ें, कौन सा आपने आंसर राइट किए, कौन सा आंसर रॉन्ग किए। इसमें मैं अभी आपके साथ में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव शेयर करता हूँ, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने क्वेश्चन दिए नहीं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वो क्वेश्चन पेपर ले जाता हूँ जो आज आपका क्वेश्चन पेपर आया था, या तो जिसको इससे से खाली डायरेक्टली चेक करना है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो देख के अपना आंसर चेक कर लो। लेकिन अगर आप पूरा डिटेल में चाहते हो सर ए बी पूरा आप क्वेश्चन पेपर के साथ में बताओ तो वो भी मैं करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ करता हूँ, मेरी भी उम्मीद रहती है आप लोगों से कि आप मेरे फैमिली मेंबर बन जाओ, मतलब आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सारी चीजें नोटिफिकेशन मिलती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले जाता हूँ क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये था आज का आपका पेपर, राइट और रॉन्ग, ठीक है। जो आंसर दिखाया वही मैं अभी आपके साथ में क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो जो पहला स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल 100 kg, तो यहाँ पर सबसे पहला का जो पहला आंसर रहेगा बी 3600 एडवर्स, क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, एडवर्स, ठीक है। चेक करते जाना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब ये जो आंसर दे रहा हूँ 20 out of 20 राइट ही है, हाँ जो कल मैंने दिया था मतलब 22 को जो एफए का पेपर, थोड़े बहुत कुछ आंसर मेरे रॉन्ग हो गए थे तो कुछ कमेंट मुझे गलत आए थे, तो मैंने वीडियो में बताया था हो सकता है मेरे से कुछ आंसर अगर गलत हुए रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, कोई भी अगर सर से गलती होती तो उसको इतना डायरेक्टली नहीं बोला जाता मेरे हिसाब से, ऐसे जो भी कमेंट आते हैं आप उनके ऊपर जरूर एक्शन लीजिए डियर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सेकेंड, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द लेबर रेट वेरियंस, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स लेबर कॉस्ट वेरियंस, क्या होने वाला लेबर कॉस्ट वेरियंस, क्या रहेगा लेबर कॉस्ट वेरियंस, ठीक है, डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, तो यहाँ पर थर्ड का आंसर है आपका बी मटेरियल प्राइस वेरियंस, ये तो फॉर्मूला है। और जो भी मेरा कल लाइव सेशन अटेंड किया था इवनिंग में हुआ था 9:30 के टाइम पे, तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव वही सारी चीजें आई है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट ड्राइवर आर डैश, तो यहाँ पर आंसर है आपका B1 डेट इज अ यूज टू असाइन कॉस्ट, ठीक है, देख रहे ना यूज टू असाइन कॉस्ट। 5वां द प्रोसेस ऑफ बेंच मार्केटिंग बिंग विथ डैश फेसेस, यहां पर आपका आंसर है प्लानिंग, मतलब डी वाला आंसर होगा, कौन सा होगा डी वाला। द फुल फॉर्म ABC इज, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए डेट इज एक्टिविटी कॉस्टिंग, क्या रहेगा एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग, याद रहेगा ना, टिक करते जाओ। 7th का आंसर है डियर फ्रेंड्स आप लोगों का वेरिएबल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल इज मेनली कंसर्न, देखो जितना वेरिएबल बढ़ेगा उतना आपका मार्जिनल भी बढ़ते जाएगा, डन। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द डैश, तो यहां पर आपका आंसर है C1 सेल्स इंटू PVR रेशियो, ठीक है। 9th का आंसर है कंपनी हैज द सेल्स 4 lakh, तो यहां पर अगर आपने टैली किया रहेगा सम किया रहेगा तो आपको आंसर मिला रहेगा 9th का डेट इज अ 50,000, कितना रहेगा 50,000, ठीक है, हाँ सर। ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पर जो आपका 10th का आंसर है डेट इज अ डेबिट साइड ऑफ WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, डन। मुझे बताना है आप लोग कितने आंसर आपके राइट है, कितने आंसर होंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला 11th का बी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब प्रोसेस आउटपुट कितना दिया हुआ है, तो ये तो लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी ये वाला क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आपका अमाउंट रहेगा 60,000 units, कितना रहेगा 60,000 यूनिट, डन। पक्का किसी को कुछ डाउट नहीं,
ओके, मतलब ये तीनों को प्लस करना था डियर फ्रेंड्स, और कुछ लॉजिक ही नहीं था। अब ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स जल्दी से जल्दी चेक कर लेंगे डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहां पर आपका आंसर है पहले का फॉल्स। दो डियर फ्रेंड्स, जिसको मैं टिक करूंगा ना समझना वो फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ये भी आपका आंसर क्या है, फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, फॉल्स। थर्ड, द स्टैंडर्ड कॉस्ट डोनेट्स द कॉस्ट विच इज प्री डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट, ये आपका आंसर ट्रू है। चाहिए तो लिख दूं क्या सर, अभी तो आपने बोले नहीं लिखेंगे, चलो ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं लिख रहा वो समझ जाना ट्रू है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसके आगे ट्रू रहेगा ना आगे लिख देता हूँ, क्वेश्चन के एंडिंग पे खत्म हो रहा तो समझना वो फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, मशीन सेटअप इज नॉर्मली कंसिडर द बैच लेवल एक्टिविटी, ये भी आपका आंसर ट्रू रहेगा, क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, ट्रू रहेगा, ठीक है। पांचवा, एबीसी डज नॉट लीड टू द कंट्रोल ओवरहेड, तो पांचवे का आंसर आपका डियर फ्रेंड्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स को यहाँ टिक करो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओवरहेड आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टेड लेबर कॉस्ट ओनली, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स अगेन फॉल्स। कॉन्ट्रीब्यूशन इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर सेवन का है आपका ट्रू, ठीक है। द सेलिंग प्राइस इज रिडक्शन रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द पीवीआर रेशियो, एट का आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स अगेन ट्रू, सॉरी यहां पर मैंने क्या बोला आपको, ट्रू रहेगा तो मेरे को आगे टिक करना, राइट, ट्रू, एट वाला भी आपका आंसर ट्रू रहेगा। एट नो प्रॉफिट नो लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल द फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर एट, सॉरी ना द सेलिंग, सॉरी एट का भी ट्रू है, ठीक है। और अभी नाइन्थ का हम लोग ले लेते डियर फ्रेंड्स, नाइन्थ का भी आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, नो प्रॉफिट वाला। व्हेन रॉ मटेरियल इज अ परचेसर स्टोर लेजर इज अकाउंट इज अ डेबिटेड, तो टेंथ का आंसर है आपका ट्रू, और इलेवेंथ का रहेगा डियर फ्रेंड्स फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, फॉल्स। नॉर्मल लॉस डिटेल्स सबको पता है, तो नॉर्मल लॉस होना ही होना है, तो ये अगेन ट्रू है, ठीक है, घबराना नहीं है, पूरा आप लोग क्रॉस चेक करना है तो मैं आपके साथ में पीडीएफ शेयर करूँ। अब ये जो भी क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में क्या आया डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट आया, जैसे अभी लास्ट ईयर मैंने कल जो पेपर डिस्कस किया था, जो भी स्टूडेंट्स अगर मुझे दिखता है तो उसका डेफिनेटली फायदा होगा, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, कहीं से भी कहीं तक आपका नुकसान होने वाला नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेनिफिट ही बेनिफिट है। अब मैं डायरेक्टली आंसर की ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि वहां से भी आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो ये रही आपके आंसर की, ये पूरा आंसर की चाहिए तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, अगर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, लिंक आपको मिल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ग्रुप में जुड़ते जा रहे हो और तीन या चार मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप बन गए, खाली एक ही कोई भी ग्रुप में रहो डियर फ्रेंड्स, बाकी सब लेफ्ट कर दो, आप अपना भी स्टोरेज फुल कर रहे हो और बाकी स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल पा रहा ऐड होने के लिए। हाथ जोड़ के विनंती है, प्लीज आप ग्रुप से लेफ्ट हो जाना अगर दो से तीन ग्रुप में हो, मैं तीनों ग्रुप में भेजता हूँ, डोंट वरी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिलेगा मैं आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा आंसर आपको मिलेगा, चेक कर लेना डियर फ्रेंड्स, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझे बताना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, पूरा आपको आंसर मिल रहा है डियर फ्रेंड्स, डन। देखो पूरा सब बताया किसमें कितना मार्क्स मिलता है करके, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगी, हाँ भाई ऐसा बनाने पे मुझे इतना मार्क्स मिला रहेगा, कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग, देन प्रोसेस अकाउंट, ठीक है, प्रोसेस अकाउंट देख सकते हैं आप लोग, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, देन प्रोसेस सी, ठीक है, आराम से पूरा पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेने तो डायरेक्टली यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी डोंट वरी, इश्यू नहीं है मुझे, ठीक है। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी से जल्दी, ओके, ये कॉस्ट कंट्रोल का है, देन अगेन प्रोसेस अकाउंट आ गया आपका, उसके बाद में थेरी, थेरी तो आप लोग के साथ में शेयर किया था मोस्टली। देखो अब अगर आपको प्रोसेस अकाउंट आता रहेगा ना डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने सिर्फ फॉर्मली बना के थोड़ा बहुत भी लिखे रहेगा ना, मार्क्स मिल जाए, लेकिन ये सारी चीजें तो ऑलमोस्ट हो चुकी, पीवी रेशियो सबको पता है, नॉशनल प्रॉफिट सबको पता है, सम के रहेगा, कॉस्टिंग, स्टेज ऑफ लाइफ, ऑलमोस्ट बेंच मार्केटिंग, ईजी क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना डियर फ्रेंड्स, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और ज्वाइंट हो जाना जल्दी से जल्दी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।